डैडी के लिए? डैडी के लिए कपड़े, सुंदर सुंदर वाला साइकिल, उनके बच्चे पे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Krishna, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, happy birthday बच्चों महाराज। अभी आपका हैप्पी बर्थडे ना आज? हाँ। तो बच्चों महाराज का बर्थडे? क्या आपके बर्थडे? हैप्पी बर्थडे, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए वो पूछ रहे हैं? हाँ, साइकिल। डैडी क्या लाएंगे गिफ्ट में वो सिर्फ एक सरप्राइज है बेटू, ठीक है? और आपको पता है कि डैडी को सरप्राइज देना बहुत पसंद है। आप हमारे फिर क्या मिलेंगे? साइकिल लाएंगे बर्थडे को? अब पता नहीं डैडी क्या लाएंगे, यू नेवर नो, डैडी कुछ भी ला सकते हैं। हमको साइकिल खेलने नहीं है। साइकिल खेल, ठीक है चलो देखते हैं। आपने देव पापा से प्रे किया है ना? हाँ, कि आपको साइकिल दे? प्रे किए क्या? हाँ। तो करो फिर प्रे, देवको हमको साइकिल दो। हाँ, हाँ। जिंदगी की जो पहली साइकिल होती है वो काफी स्पेशल होती है। बाइक कार ये सबका तो अपना मजा है, लेकिन जो साइकिल है जिंदगी की जो पहली साइकिल उसका एक अलग ही मजा होता है। और आज हमारे बच्चू महाराज का चौथा बर्थडे है, 2 अप्रैल, और हम हैप्पी बर्थडे बच्चू महाराज। और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमारा ये बच्चू महाराज हमको बहुत मुश्किल से मिले है ना, और मुश्किल से ज़िंदगी में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी। हम कूदते देखते। हाँ कूदो कूदो। तो आज का जो प्लान है भाई, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स ही ब्लॉग करूँगा, ज़बरदस्ती ब्लॉग करके मतलब नहीं है। तो आज के दिन का क्या प्लान है, क्या होने वाला है, इसका सरप्राइज़ क्या है, क्या गिफ्ट है, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके ब्लॉग में पता चलेगी। एंड ऑफ द डे तक सारी चीज़ें कैसे होती है, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की है, लेट्स सी सारी चीज़ें मतलब होती है नहीं होती है। और हमारे बिट्टू महाराज को हैप्पी बर्थडे एक और बार। पिल्लू आई लव यू, आई लव यू, डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। आप भी करते क्या? शर्माते पानी, पानी, शर्मा गया बच्चा। ये हम दोनों बाप बेटे दोनों का फेवरेट गाना है ना कृष्णा, ये अपना फेवरेट गाना है बेटू। आप चुप हो ना, आप चुप हो ना, किधर तो हम इधर आग बंद कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चुप चुप मुझे सताओ ना, ओ मेले नन्हे मुन्ने प्याले प्याले लाजा, ओ मेले नन्हे मुन्ने प्याले प्याले लाजा, आओ डैडी के गले लग जाओ ना, ओ बच्चू आओ ना, लुक चुप जाओ ना, अरे आओ ना। अरे बच्चा किधर गया मेरा किशू, अभी अभी तो यही था। फूलों से मैं पूछ लूंगा, देखो फूलों से मैं पूछ लूंगा, हर कली भरों से मैं पूछ लूंगा, हर कली से पता मैं लगाऊंगा। टीनी नी नी नी, मेरे मुन्ने की छूरत है ऐसी, परियों के खिलौनों के जैसी, चली बगिया को मैं लाऊंगा। टीनी नी नी नी, घटाओ से नजारों से कहूंगा, किन्नू को ढूंढ के लाओ ना, बच्चों आओ ना। बज रहे दोपहर के 2 और हम नहाकर एकदम रेडी हो गए, और हम जा रहे हैं हमारे बच्चू महाराज का केक बुक करने के लिए। मेरा फिलहाल प्लान ऐसा है कि मैं मतलब घनसोली में रहता हूँ, तो यहाँ से वाशी तक जाऊँगा, और बीच में जो भी केक शॉप्स रहती है वहाँ पर हर जगह पर जो ऑर्डर देखे केक बनती है वो देखूँगा, और जो मुझे सबसे अच्छी केक लगती है, यानी क्यूट सी प्यारी सी कोई कार्टून की ऐसी कोई केक जो मुझे ठीक लगती है, तो वो बुक करूँगा और फिर शाम को जाकर ले आऊँगा, क्योंकि 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसी स्पेशल प्राइजेस वगैरह मतलब सरप्राइज़ देना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है,
इसीलिए तो बच्चों हैप्पी बर्थडे कहो गाने मेरे बच्चों को। आपको कौन सी वाली केक चाहिए, मिनियंस वाली या मिकी माउस वाली या गॉडज़िला किंग कॉन्ग वाली? मार्स वाली केक। मार्स? अरे मैं नहीं जानता, मार्स वाली केक क्यों काटना है? ये प्लैनेट मार्स की बात कर रहा है ना, प्लैनेट की बात कर रहा है ना, तो अर्थ की नहीं चाहिए। अर्थ का तीसरा जिधर अपन रहते हैं, मर्कुरी वीनस अर्थ, वो वाला अर्थ है बेटा। ग्रीन 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 और ब्लू है ना, जो आपके फोटो के राइट साइड में है ना बेटा, वो है अर्थ। चलो 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 चलो, हम लेके आते हैं। ठीक है पपी, हमको केक काटना है। अभी केक अभी वॉशिंग हो मैं भाई, और दो शॉप्स ही देखी मैंने। एक शॉप में देखा मुझे पसंद नहीं आया कुछ इतना ज़्यादा खास, लेकिन यहाँ वाशी सेक्टर 17 में फ्रंटेड बेकरी, वहाँ पर मैंने थोड़ी डिज़ाइन देखे मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी का भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो मेरे बेटे को एक कार्टून कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, और 90s के हर एक बच्चे का ऑलमोस्ट वो द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, और अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब जब 90s पे वो कार्टून टीवी पे आता था तो धूम मच जाती थी, लोग बच्चे अपना काम धंधा सब छोड़कर बस टीवी के सामने बैठते थे। कुछ ऐसा कार्टून था वो, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस। और ये अभी आप लोगों को ही पता चलेगा जब मैं केक लूँगा। 5:30 का टाइम दिया उन्होंने कि 5:30 को आके ले लेना। अभी मैं जा रहा हूँ, एक बता देता हूँ मैं आप लोगों को, साइकिल बुक की है मैंने मेरे बेटे के लिए, एडवांस भी दिया था थोड़ा, और अभी जाके देखता हूँ मैं वो शुरू है नहीं है शॉप, क्योंकि यहाँ पर सेम शॉप है एवरेस्ट का, वो बंद है, और जहाँ से बुक किया वो घनसोली में। तो अभी जाते हैं भाई फटाफट वहाँ पर, क्योंकि 8 बजे लॉकडाउन हो जाएगा, तो इससे पहले हम जाएंगे सारी चीज़ें रेडी कर देंगे। अगर अभी खुला होगा शॉप तो मैं अभी घर पे लाकर रख दूँगा, मतलब उसे पैक करके। मैंने सोच रहा हूँ कि वो ऑलरेडी पैक रहेगा, अगर उसका कोई कवर होगा कोई बॉक्स होगा तो उस बॉक्स को भी मैं बाहर से वो जो आता ना यार रैप रैप करते ना, वैसा कुछ रैप करूँगा ताकि वो बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहे और वो गिफ्ट के लिए उतना ही उत्साहित रहे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ऐसे गिफ्ट्स देना, स्पेशली बच्चे लोगों के लिए कुछ कपड़े लेना, उनको कुछ गिफ्ट्स देना, उनके लिए सेंटा क्लॉज बनना या उनके स्कूल, उनके लिए बुक्स पेंसिल रबर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब करना। तो वह भी जाते हैं, जितना एक्साइटेड मेरा बच्चा है उससे एक्साइटेड मैं हूँ। लेट्स गो। बज रहे शाम के 6:54, और भाई साइकिल का आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो शॉप है यहाँ पर एवरेस्ट साइकिल वो बंद है फ्राइडे को। इसका एक ब्रांच वाशी में भी है, मतलब वाशी में भी सेम शॉप है, वो भी बंद है, ये भी बंद है, और ये फ्राइडे को बंद ही रहती है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था मेरा, एकदम दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था, फिर भी मैंने अपने आप को मनाया। मेरा हिसाब दिल कर रहा था कि सैटरडे को मनाएंगे, यानी आज फ्राइडे सेकेंड और कल सैटरडे थर्ड, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार आज बर्थडे तो आज ही मनाने का, तो साइकिल जो है वो कल आएगी, और साइकिल का भी जो भी शॉट है वो सैटरडे का होगा। मतलब मैं इसी में ऐड कर दूंगा इसी ब्लॉग में, बीच बीच में जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी उस सीन की। तो अगर साइकिल का कोई भी सीन है तो समझ जाना कि सैटरडे का है। और ये हमारी सरकार है, हम दोनों गए थे ये केक लाने के लिए, एक बहुत ही स्पेशल, यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरे बेटे का एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, तो उसी के फ्रेंड का केक है। अब वो कौन सा कैरेक्टर है क्या है ये आपको ब्लॉग क्या जाके पता चलेगा। तो बस इसके बाद वाला जो सीन है शायद साइकिल का हो। सो दिस इज़ सैटरडे, और अभी बज रहे शाम के 6। हमारा जो बच्चू महाराज है वो यहाँ पर सोया है, और मैं जा रहा हूँ अभी इसकी साइकिल लेने के लिए। तो जब तक ये उठेगा मैं साइकिल लाकर रेडी वगैरह करके इधर नीचे या तो इधर रख दूँगा, और फिर इसके उठने के बाद इसे सरप्राइज दूँगा, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही, जब ये सो के उठेगा तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा मेरे को। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए जाते भाई शॉप के ऊपर। फाइनली साइकिल आ गई है पूरी रेडी हो के, घंटी विंटी सब लगकर, और मैं बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ही साइकिल है, मेरा लाइफ की फर्स्ट साइकिल है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं ये कैप्चर करना चाहता हूँ। अरे यार, जैसे मैंने कहा ना कि पहली बाइक पहला कार ये सब तो स्पेशल होती है, लेकिन लाइफ की जो पहली साइकिल होती है, जो पहली साइकिल, उसका कोई तोड़ नहीं है उसकी खुशी का। और वो कहते हैं ना कि मतलब बेटा जीतता है तो बेटे से ज़्यादा बाप को खुशी होती है, तो आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे बेटे के लिए साइकिल ली है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी बस वो देखे और वो खुश हो। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल इतने देर से? मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ नहीं मालूम, मैं बस बोले जा रहा हूँ। चलो अभी घर पर चलते हैं। तो फाइनली हमारा बच्चू महाराज डायरेक्ट ऊपर से भाग के आया, धड़ 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 धड़। आप अभी नहीं इनसे उठे क्या? हाँ।
हाँ, कैसा लगा आपको साइकिल? दिखा दे सबको आपका साइकिल। हाँ, बैठो बच्चा। बज रहे हैं 8, अभी घर पे आ गए हम लोग और अभी तैयारी कर रहे हैं। छोटी मोटी तैयारी, ज्यादा कुछ ये नहीं। ये बलून लेके आया हूँ मैं, बलून लगाएंगे जितना हो सकता उतना, 5-6। और बस इसके लिए कैप लाया है और कुछ नहीं। और यहाँ पर एक, जब वो उसका फर्स्ट बर्थडे था तभी लाया था ना रागिनी को हैप्पी बर्थडे का, पहले बर्थडे पे। हाँ, वो अभी भी था तो वही लगाएंगे। और बस यही है, अब ये सारी चीज़ें कैसी होती है देखते हैं। और जो साइकिल के छोटे छोटे शॉर्ट्स है जो आप लोग देख रहे हैं वो एंजॉय करिए। कृष्णा, तैयारी शुरू करते हैं। हाँ? हाँ? पक्का? हाँ, पक्का मैं। जैसे सब रेडी हो जाएगा, जैसे सब रेडी हो जाएगा आपको मैं रेडी कर दूंगा, ठीक है? कपड़ा वपड़ा मस्त एकदम पहना करके। आपको पहनना है नया कपड़ा? हाँ। तो पहले हमको प्लैनेट्स का नाम बताइए। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ चलो, जाओ आराम से, आराम से। भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, एकदम प्यार से। बेटा ऐसा करेंगे तो बंदे नहीं बनेगा, आपको फटाफट से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चू महाराज केक काटने के लिए रेडी, और यहाँ पर है उसकी केक। ये इज द लुक। Happy birthday to you. जोर से बोलो। Happy birthday dear Kishu. Happy birthday to you. कोई आपको करना आ रहा है? काटना सीखा ना उसको। आपने तो वोल्वरिन जैसा काट दिया। हाँ रुको, ऐसा। Happy birthday. अभी आपका साइकिल देखेंगे? हाँ चलो ऐसा करो, साइकिल देखेंगे। हाँ तो चलो दोस्तों, अभी यहीं पर ये ब्लॉग समाप्त करते हैं। ओके बिटू, आपको अच्छा लगा साइकिल? हाँ। आप खुश हो? हाँ। बहुत? हाँ। अभी आप क्या क्या लाओगे साइकिल पे बताओ? आप क्या बोल रहे थे मम्मी को? सब्जी, आलू। और मम्मी के लिए क्या लाएंगे बोल रहे थे आप? पैंट। डैडी के लिए? डैडी के लिए कपड़े, सुंदर सुंदर वाला। तुमको लिए सुंदर सुंदर वाला साइकिल तुमके बच्चे पे।
हमको भी आप साइकिल लेंगे बर्थडे पे? हाँ। अरे वाह। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का।